तो हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। प्रॉन और मास्टरबेशन छोड़ने से कोई बीमारी हो सकता है क्या? कोई कहता है कि पेट पर पत्थर होता है प्रॉन और मास्टरबेशन छोड़ने से, यानी कि प्रॉन तो देखना वो तो अलग है, खैर मास्टरबेशन छोड़ने से कोई कहता है कि पेट पर पत्थर होता है। और ये भी होता है कि मास्टरबेशन छोड़ने के एक महीने के बाद नाइटफॉल हो जाता है, यानी कि स्वप्नदोष हो जाता है। खैर इन्हीं सब सवालों के जवाब आज इस वीडियो पर देने वाला हूँ, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना। और तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉडर्न साइंस के बारे में। आजकल के जो मॉडर्न साइंस है वो बोलता है कि हफ्ते में एक बार मास्टरबेशन करना नॉर्मल है, ये हर किसी को करना चाहिए, यानी कि ये करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा ये मॉडर्न साइंस कहता है। लेकिन जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद कुछ अलग ही बोलता है। आयुर्वेद बोलता है कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यानी कि जो हमारा स्पर्म है उसको बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो हमेशा आयुर्वेद के साइड ही रहूंगा। क्यों रहूंगा आयुर्वेदिक के साइड? दोस्तों आज से हजार हजार साल पहले लोग आयुर्वेद को ही मानते थे, क्योंकि तब मॉडर्न साइंस की जो हमारे केमिकल से बनाया हुआ मेडिसिन नहीं मिला करता था। तो अब लोग क्या करते थे, जो पेड़ पौधे होते हैं उन सबको पीस के, उन सबको जड़ी बूटियां मिला के बना के वो लोग कोई भी बीमारी का इलाज करते थे। अपने पे दर्द होने लगा है तो पेन लोग खा दो, उसके बाद दर्द खत्म, ऐसे सिस्टम नहीं थे पहले। और उस जमाने के लोग भी हजार हजार साल तक जिंदा रहते थे। स्पेशली मैं बताऊँ तो पहले के जमाने में जो ऋषि मुनिया रहते थे वो लोग ध्यान करते थे, ध्यान यानी कि मेडिटेशन, जो मैं अभी सारा वीडियो बना भी चुका हूँ जो मेडिटेशन के बारे में, और आप लोग चाहो तो वीडियो देख सकते हो। खैर मैं आगे भी लाता ही रहूंगा ऐसे वीडियो। तो रीजन यही था कि मेडिटेशन करते थे वो लोग और नेचुरल चीजें खाया करते थे। और अभी के जमाने के जो मेडिसिन है, जो मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं, जो हॉस्पिटल में मिला करते हैं मेडिसिन, उन मेडिसिनों से जल्दी बीमार का इलाज तो हो जाता है, लेकिन जो केमिकल रहता है उस मेडिसिन में, उस मेडिसिन की जो केमिकल है, केमिकल की वजह से हमारे अंदर और एक नया बीमारी पैदा हो जाता है। अगर आप आयुर्वेद की मेडिसिन लेते हो तो प्योर आपको नेचुरली अंदर से वो बीमारी का खत्म कर देता है, लेकिन आयुर्वेद से थोड़ा टाइम लगता है। और इस जमाने के जो बीमारियां है वो बीमारियां आयुर्वेद की मेडिसिन से अच्छा हो पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि लोहा लोहे को करता है। अभी की जो बीमारी है वो केमिकल की वजह से हुआ है, और केमिकल की वजह से ही वो बीमारी का इलाज हो सकता है। आप लोगों को भी आयुर्वेद के साथ जाना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं पेट में पत्थर होने वाली। जो लोग बोलते हैं ना पेट में पत्थर होता है मास्टरबेशन सुनने से, उन लोगों के बात आप छोड़ो, मैं तो बोलता हूँ उन लोगों के साथ भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग ये मास्टरबेशन हमेशा करता है और उन लोगों को एक बहाना मिल जाता है कि मास्टरबेशन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? नहीं करो तो पेट में पत्थर हो जाता है क्या यार। और अब बात करते हैं मेन स्वप्नदोष यानी कि नाइटफॉल के बारे में। अगर आप फिलहाल ही ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हैं, लगभग एक महीना हो चुका है, अगर आप ले रहे हैं नो पीएमओ चैलेंज 90 डेज का, तो आपको ये नाइटफॉल होगा ही। क्यों होगा इसी के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, रुको। ये नाइटफॉल होता है कि जैसे आप सो रहे हो उस टाइम आप सोते हुए एक सपना देखते हो, उस सेक्सुअल एक्टिविटी के साथ सपना देखते हो, और उसके बाद उस सपने से आपका स्पर्म बाहर आ जाता है रात में ही, उसी को हम लोग नाइटफॉल कहते हैं। और किसी को नहीं पता है नाइटफॉल क्या होता है, खैर मैंने बता दिया नाइटफॉल इसी को कहा जाता है। और किसी के साथ ये नहीं होता, उसी के साथ होता है जो ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा है, लगभग एक महीना हो चुका है, पहले नहीं करता था, उन लोगों के साथ ही होता है। ये क्यों होता है तो चलिए ये जान लेते हैं। आपने तो सुना ही होगा अगर हम लोग ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे तो हमारा जो स्पर्म है वो ऊपर की तरफ फ्लो होगा, और इससे हम लोग इंटेलिजेंट भी बन सकते हैं और काफी पावरफुल इंसान बन सकते हैं, वीर्यमान बन सकते हैं वीर्य को बचाने से। तो आप लोगों ने ये तो हमेशा सुनते ही होंगे, मेरा वीडियो में भी देखते होंगे। तो उसी तरह से हमारा जो स्पर्म है, स्पर्म रहने के लिए एक स्टोर होता है, स्टोर। तो आप क्या करते हो कि रोज वो स्पर्म बाहर निकाल देते हो, तो जब भी ये भरने लगता है अपने आप तब भी आप बाहर निकाल देते हो। और अचानक से आपने ब्रह्मचार्य का पालन करना स्टार्ट कर दिया, तो ब्रह्मचार्य का पालन करने से आप तो स्पर्म बाहर नहीं निकलने वाले हो, तो वो अंदर ही रह जाता है और अचानक स्टोर फुल हो जाता है। रेप्टाइलियन कॉम्प्लेक्स है वो सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में वो आप लोगों को संकेत आदान प्रदान करता है, वो कन्फ्यूज हो जाता है कि इसको अब करना क्या है। उसको लगता है कि आप हमेशा बाहर निकल देते हो तो ये बाहर निकलने का चीज़ है, दो से चार दिन तक हो सकता है, उसके बाद से बंद हो जाएगा। तो एक महीने के होने के बाद अगर आपका नाइटफॉल हो रहा है तो हफ्ते में एक बार करके हो रहा है तो चार से पाँच हफ्ते तक हो सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं होगा, ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होगा ये, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो रीज़न यही था बस कि आपका स्टोर फुल हो जाता है तो उसमें और भी स्पर्म बनाना होता है अपना हमारा बॉडी, तो कन्फ्यूज हो जाता है कि इसको अंदर रखे या फिर बाहर निकल दे। आपने तो कभी अंदर रखे नहीं थे तो स्पर्म तो ऊपर की तरफ फ्लो नहीं हो पाता, बाहर निकल जाता है। तो धीरे धीरे एडजस्टमेंट आ जाएगा, लेकिन आप जब एक महीने हो चुका है ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग लगभग 100 डेज तक ट्राई करके देखिए, इस चैलेंज से पीछे मत हटिए।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया कि नाइटफॉल क्यों होता है, और बाकी जो फालतू का ज्ञान लोग आप लोगों को देता है उन सब वो सब आप मत सुनिए, जो मॉडल साइंस बोलता है पेट पे पत्थर होता है ये सब बकवास है। वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक मार देना, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है मुझे। आप गलती से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देते हो तो मैं खुशी के मारे बौखला जाता हूँ, लेकिन आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मैं डिमोटिवेट भी हो जाता हूँ, तो इसलिए समझा करो गाइस, मैं भी मेहनत ही करता हूँ। शेयर अगर आपका ठीक लगे तो शेयर करना, शेयर कर सकते हो कि दोस्तों को भी जानना चाहिए ये बात। खैर मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, उस हिसाब से मुझे सपोर्ट भी कर दिया करो। तो मिलते हैं हम लोग और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय।